स्टूडेंट्स, आई एम चांदनी ठाकुर. वेलकम टू मूलिट क्लासेस. टूडे आई विल डिस्कस अबाउट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं 11th क्लास की बायोलॉजी की पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें आपकी क्लास 11th जितने भी आपके चैप्टर हैं, ठीक है ना, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड और भी हैं आपके सोन, तो मैं सब वो आपके अब डिस्कस करूँगी. तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 11th बायोलॉजी का, वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. देन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज द लिविंग. अच्छा, लिविंग तो आपको एक बेसिक टॉपिक है, बट मैंने फिर भी डिस्कस किया क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है. मैं आपको पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेन करूँगी. देन हमने देखा था लिविंग की, आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो आपकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स थी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. आई मीन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बट ये इनकी डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स नहीं थी. देन नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, रिप्रोडक्शन, बट ये भी आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. नेक्स्ट आपका इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो है आपकी मेटाबॉलिज्म इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. ये आपकी डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स थी. मैंने आपको समझाया है क्यों थी, वो आप लोग क्लास लेक्चर में देख लीजिए. नेक्स्ट है आपका लिविंग विंग्स हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ये भी आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. ओके, देन मैंने आपको प्लांट्स एंड एनिमल सेल में आपको डिफरेंस समझाया था, ठीक है ना. देन आपको पूरा सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझाया था. बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी इज द लिविंग वर्ल्ड, सॉरी, इन द लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू इनॉर्मस वेराइटी फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. आप देखते हो कि आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक कितनी डाइवर्सिटी है इनकी, कितना इनॉर्मस वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपके इस अर्थ पर. साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर चुके हैं लगभग नेम्ड 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं. ऑफ द आइडेंटिफाइड स्पीसीज अबाउट 1.2 मिलियंस आर एनिमल्स, जिसमें आपके 1.2 मिलियंस क्या है, एनिमल्स स्पीसीज हैं. एंड 0.5 मिलियंस आर प्लांट स्पीसीज हैं. द इंसेक्ट्स हाउएवर आउट नंबर, इंसेक्ट्स की आउट नंबर है वो हमें पता ही नहीं है कितने हैं अभी, ठीक है ना. All the plants and other animals. This group contains about 1.025 million species. इस ग्रुप में कितने लगभग आपके कितने एनिमल्स हैं, कितने स्पीसीज हैं इसमें, आपके 1.025 मिलियंस हैं. एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर, मोर देन 15000 न्यू ऑर्गेनिज्म आर डिस्कवर्ड. प्रत्येक साल 15000 के समथिंग आपके ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया जाता है, ठीक है ना. एवरी ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना. तो आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म देखिए, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन द लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है ना. फिर हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है ना. मोनेरन से आपके प्रोटिस्टा हैं, एंड फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी, ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट के अनुसार सम 5 to 30 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, ठीक है ना. मतलब लगभग आपकी 5 से 30 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं आपके अर्थ पर. वाइल जबकि सम बिलीव दैट देयर नंबर मे बी, बल्कि कुछ विश्वास करते हैं कि जो नंबर है वो एस हाई हो सकता है 1000 मिलियन के समथिंग. मेजोरिटी ऑफ देम आर थॉट टू अकर इन द अनएक्सप्लोर्ड ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट. जब आप रेन फॉरेस्ट में देखते हो वहाँ पे आपको इतनी सारी डाइवर्सिटी मिलेगी, ठीक है ना. एंड अंडर वाटर, जहाँ अंडर वाटर देखते हो कोरल रीफ्स, ठीक है ना, इतनी डाइवर्सिटी है वहाँ अधिक, ठीक है, ट्रॉपिकल सीज में. डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस फॉरेस्ट एंड रीफ्स मे बी मेक मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट बिफोर बींग आइडेंटिफाई. जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं, ठीक है ना, देन हम जितना भी अपनी इंडस्ट्री जितना भी डेवलप कर रहे हैं, तो आपके कई सारी स्पीसीज विलुप्त हो चुकी हैं. और बल्कि उन्हें हमने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है, उससे पहले ही कई सारी स्पीसीज आपकी एक्सटिंक्ट हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, ऐसा आपका बायोलॉजिस्ट का मानना है. मैंने कहा ना अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट. इन इंडिया साइलेंट वैली रेन फॉरेस्ट केरला हैज बीन सेव्ड है फ्रॉम सबमर्ज ड्यू टू प्रपोज डैम अक्रॉस रिवर कुंतियाचा, राइट. नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द प्रपोज बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इन टू ईजिली आइडेंटिफाइबल ग्रुप्स और कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज.
हमने बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है उसको हमने किसके आधार पर किया है, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के आधार पर हमने उनको कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है ना, कुछ ग्रुप्स एंड कैटेगरी में रखा हुआ है आइडेंटिफाई करने के बाद। द साइंटिफिक टर्म यूज फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। जो हमने कैटेगरी में, जो हमने किसी भी ऑर्गेनिज को आइडेंटिफाई किया उनकी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के आधार पर, तो हमने उन्हें किसी कैटेगरी में रखा, किसी ग्रुप में रखा, तो उसी कैटेगरी एंड ग्रुप को साइंटिफिक टर्म क्या दिया गया, टैक्सा दिया गया। फॉर एग्जाम्पल्स प्लांट्स एनिमल्स बैक्टीरिया ETC आर इंक्लूड इन सेपरेट कैटेगरी और टैक्सा। हमने एग्जाम्पल के लिए आप प्लांट एंड एनिमल बैक्टीरिया को ले लीजिए, इनको हमने इंक्लूड किया है सेपरेट कैटेगरी और टैक्सा में। नीड फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू ऑर्गेनाइज द वास्ट नंबर टू नोन प्लांट एंड एनिमल इंटू ग्रुप एंड कैटेगरीज। जो आपके वास्ट नंबर है, जो इतनी अधिक संख्या में आपके प्लांट एंड एनिमल है, इनको जानने के लिए, इनको ग्रुप एंड कैटेगरी में रखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी किसी भी एनिमल या प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज को क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है ना। हमने इनको क्लासीफाई किया, ठीक है ना, इनके बारे में जानने के लिए, इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। अरेंजिंग एंड ग्रुपिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ डेफिनेट प्लान मेक द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ईजी। इससे हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो काफ़ी अधिक ईजी हो गई। जस्ट बी सिलेक्टिंग अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ग्रुप अ ब्रॉड आइडिया ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड कैन बी अचीव्ड, ठीक है ना। जितनी भी आपकी डाइवर्सिटी है उसको हमने ईजी से समझा क्लासिफिकेशन करने के बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, विदाउट अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स इट वुड बी लाइक डीलिंग विद अ लार्ज लाइब्रेरी वेयर बुक्स हैव नॉट बीन क्लासिफाइड एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू टाइटल सब्जेक्ट और ऑथर। आपके NCERT में दे रखा है कि अगर हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पे आपके जो बुक हैं, जो आपको बुक अरेंज नहीं है अच्छे से, ठीक है ना, मतलब टाइटल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑथर के अकॉर्डिंग अगर बुक अरेंज नहीं है, तो हमें किसी बुक को सर्च करने में, किसी बुक को वहाँ से लेने में बहुत अधिक प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही आप किसी भी, जब आप लिविंग वर्ल्ड को देखते हो, तो वहाँ हमने जब उनको कैटेगरी, उनको कैटेगराइज नहीं किया, उनको अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटा, तो हमें उन्हें पहचानने में, उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको समझने में बहुत अधिक प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आप लाइब्रेरी में गए, ठीक है ना, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ जो आपकी NCERT में दे रखा है। आप किसी लाइब्रेरी में गए और आपने कहा कि मुझे मैथ्स की बुक चाहिए, और वहाँ बुक सारी बिखेरी पड़ी हुई है, ऐसे ही आपके जो फर्श है आपका वहाँ पड़ी हुई है। अब आप वहाँ पे अपनी एक बुक सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, मैथ्स की बुक देख रहे हो, तो क्या आपको इजीली वो बुक मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी ना। इसीलिए हमने उनको क्या किया, अलग अलग कवर्ड में, अलग अलग हमने उनको रो में रखा, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में रखा। मैथ्स की बुक वो अलग ग्रुप में होती हैं, साइंस की बुक अलग होती हैं, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जितनी भी बुक्स हैं आपकी वो अलग अलग ग्रुप में रखी हुई होती हैं। ऐसे ही हमने जो आपकी इतनी डाइवर्सिटी है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ठीक है ना, एल्गी, आपकी टेरिडोफाइटा प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म वगैरह, जितने भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। किस लिए? सिर्फ जिससे कि हम उनकी अच्छे से ईजिली उनको समझ सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट प्लान इज यूजफुल इन फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स। हम लोग कई सारे रेस्पेक्ट्स में देखा है, इनको देखिए, इट मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेरी कॉन्वीनियंट। हमने जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं इनको अच्छे से हम समझ सकें, इसलिए हमने आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेन उनको क्लासीफाई किया। इट फैसिलिटीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके आइडेंटिफिकेशन अच्छे से हो पाए। इट शोज रिलेशनशिप अमंग वेरियस ग्रुप ऑर्गेनिज्म, जो आपके वेरियस ग्रुप ऑर्गेनिज्म है उनके बीच रिलेशनशिप को भी दिखाता है। कौन? क्लासिफिकेशन, जो हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शोज इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, और ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को भी दिखाता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें, तो पहले आपके जो ह्यूमन बींग्स थे, हम गोरिल्ला को देखेंगे, देन चिंपैंजी को देखेंगे, उसके बाद आपके ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, देन आपके ह्यूमन बींग। तो हमने क्या है, इनको एक इवोल्यूशन के आधार पर, कैसे कैसे इनका विकास हुआ है, इसके आधार पर हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है। तो इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय रिवीलिंग ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम एनिमल्स, प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स सबसे पहले क्या है, आपका एल्गी है, ठीक है ना, वो आपके सिंपल स्ट्रक्चर है एल्गी का। देन अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा की बात करें, तो वहाँ आपको थैलस मिलता है, देन ब्रायोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। ये हम आपको जो आपका किंगडम प्लांट है उसमें ये सब पढ़ेंगे। इट हेल्प्स इन द इंटरप्रेटिंग द पुअरली डेवलप्ड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉसिल ऑर्गेनिज्म।
और इससे हम जो आपके फॉसिल्स हैं, जो आपके जीवाश्म हैं, उनकी भी हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं क्लासिफिकेशन की वजह से. स्टडी ऑफ अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप गिव्स द जनरल करेक्टराइजेशन ऑफ दैट ग्रुप एज अ होल. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. तो हमने क्लासिफिकेशन को थ्री इनके टाइप्स हैं. सबसे पहले आपके जो साइंटिस्ट उन्होंने आर्टिफिशियल दिया, देन नेचुरल, देन फाइलोजेनेटिक. तो हम देखते हैं साइंटिस्ट ऑफ सॉरी सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. देयर आर थ्री मेन सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. दीज आर आपका फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. द आर्टिफिशियल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन सुपरफिशियल सिमिलरिटीज. ओनली जो सुपरफिशियल हैं, जो आपको बाहर से दिखती हैं, उन सिमिलरिटीज के आधार पर हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया. ठीक है, जो आपके प्लिनी थे, आपके प्लिनी साइंटिस्ट, उन्होंने इन फर्स्ट सेंचुरी में अडॉप्ट किया दिस मेथड को एंड क्लासीफाई किया एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स. जो आपके एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट के आधार पर, वो कैसे आवास में रहते हैं, कैसे जगह पर रहते हैं, उसके आधार पर हमने इनको क्लासीफाई किया. जैसे कि आपके लैंड पर ह्यूमन बींग की बात करें, आप जितने भी एनिमल्स उनकी बात करें, एयर में आपके बर्ड्स, एवीज वगैरह, एंड वाटर में आपकी फिशेज. ठीक है ना, इनके आधार पर हमने इनको क्लासीफाई किया. देन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइंग एबिलिटी के आधार पर इनको क्लासिफिकेशन किया. एनिमल्स वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. एनिमल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज एनिमल्स विच कैन फ्लाई. एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं, जो आपके एवीज वगैरह हैं, और एनिमल विच कैन नॉट फ्लाई. ठीक है ना, ये आपकी दो हैं. बट आपके इट कुड नॉट डिफ्रेंशिएट बर्ड इंसेक्ट्स एंड पेट्स. बट ये कोई एक कोई अच्छा ये आपका क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम वर्ड्स की बात करें, वर्ड्स भी आपकी फ्लाई करती हैं, इंसेक्ट्स भी फ्लाई करते हैं. ठीक है, एंड बैट्स चमगादड़ है, वो भी आपको फ्लाई करता है. बट वर्ड्स किस में आते हैं? वर्ड्स आपके आते हैं एवीज, जहाँ हमने उनको अलग कैटेगरी में रखा हुआ है. इंसेक्ट्स आपके आर्थ्रोपोड हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है आपकी वर्ड से. एंड बैट्स क्या है? मैमल्स है. ठीक है ना, स्तनधारी है आपका बैट्स. तो ये सब क्या है? अलग अलग कैटेगरी में. जब हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि बर्ड्स आपका एवीज में है, इंसेक्ट्स आपके जो आपका आर्थ्रोपोडा फाइलम है उसमें है, एंड बैट्स आपके मैमल्स में आते हैं. तो ये बिल्कुल डिफरेंट है. तो ये कोई आपका अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था. अब इसके बाद जो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने देख लेते हैं. सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, प्लांट वर क्लासीफाई इन टू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. ठीक है ना, प्लांट्स को भी हमने उनके हैबिट के आधार पर क्लासीफाई किया है. हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं एंड ट्रीज हैं. ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पान, उनके लाइफ स्पान के आधार पर भी प्लांट को क्लासीफाई किया है. एनुअल्स, वाइनियल्स एंड पेरिनियल्स. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के आधार पर डिवाइड किया है कि एपीफाइट्स हैं. ठीक है ना, सेप्रोफाइट कौन होते हैं? जो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं. पैरासाइट, जो दूसरे किसी बॉडी के अंदर रहते हैं. ठीक है, एंड एपीफाइट, किसी दूसरी बॉडी पर उगते हैं. ये होते हैं आपके एपीफाइट्स. तो इनके आधार पर हमने क्लासीफाई किया. देन आपका सेकंड आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज एमंग द ऑर्गेनिज्म. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किसने दिया था? ये जॉन रे ने. इट इंक्लूड नॉट ओनली द एक्सटर्नल वर्ल्ड. इसमें ओनली एक्सटर्नल फीचर्स की ही बात नहीं की है, बट हमने इंटरनल फीचर्स की भी बात की है. लाइक आपका अल्ट्रास्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गया, मॉर्फोलॉजी एंड साइटोकेमिस्ट्री. ठीक है ना, द सिस्टम अवॉइड्स द ग्रुपिंग ऑफ हेट्रोजीनस एंड अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म. हमने इस सिस्टम को क्यों अवॉइड किया? हेट्रोजीनस एंड अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म की वजह से इसको अवॉइड किया. ठीक है, यह है आपका नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन. उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. द इवोल्यूशनरी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज कॉल्ड फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द बेस ऑफ इवोल्यूशन. हमने इवोल्यूशन के आधार पर, ठीक है ना, कैसे कैसे किसी एनिमल का इवॉल्व हुए हैं, कैसे उनका विकास हुआ है, इसके आधार पर हमने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन बैप्टिस्ले डी लैमार्क, स्पीसीज ग्रेजुअली चेंज एंड गिव राइज टू न्यू स्पीसीज. जो स्पीसीज हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती रहती हैं और अपनी न्यू वन को राइज करती हैं, उत्पन्न करती हैं. ही अरेंज्ड ऑल लिविंग क्रिएचर्स ऑफ पास्ट फॉसिल्स एंड प्रेजेंट लिविंग वन. इसमें हम फॉसिल्स एंड लिविंग वन जो आपके प्रेजेंट में हैं, इन सबको हम स्टडी कर सकते हैं फाइलोजेनेटिक में. इन अ इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने भी आपकी जो थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो भी दिया है. तो बाई नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा एंड स्टेबलाइज केयर ऑन डायनेमिक नेचर को, राइट. फिर आपका जो आपका फाइलोजेनेटिक है, इसमें आपके जो आपका इसमें पूरा ट्री है इसका, फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ. तो इसमें आपका बैक्टीरिया है, ठीक है ना, आर्की बैक्टीरिया है एंड यूकैरियोटा है. तो इनको हम देखते हैं
थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ वॉज प्रपोज बाई कार्ल बॉयस, ठीक है ना, कार्ल बॉयस ने दिया एंड हिज एसोसिएटेड इन 1978, इसको कब एसोसिएट किया था, 1978 में. इट रिप्रेजेंट एन इवोल्यूशनरी मॉडल ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन, जो इवोल्यूशनरी मॉडल है उसके आधार पर इन्होंने थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ दिए थे. तो थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ किस किस के आधार पर दिया था वो देख लेते हैं. पहले डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है ना, जो आपके आरएनए डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, उन न्यूक्लियोटाइड्स के आधार, उनके सीक्वेंस के आधार पर हमने थ्री डोमेन्स को लिया, ठीक है ना. सेल में जो राइबोसोमल है आरएनए उनके आधार पर लिया. एंड लिपिड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसकी लिपिड का जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर हमने थ्री डोमेन्स को देखा. एंड इट्स सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स, और जो इनकी एंटीबायोटिक्स, जो उनकी सेल मेम्ब्रेन पर जो सेंसिटिविटी होती है उसके आधार पर भी हमने थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ दिए. तो आपका हम जल्दी देख लेते हैं, फर्स्ट डोमेन है आपका, चलिए फर्स्ट डोमेन देखते हैं डायरेक्ट, डोमेन आर्किया और आर्किबैक्टीरिया आपका फर्स्ट डोमेन है. तो इसमें कौन कौन आते हैं, दीज ऑल आर द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म्स, इसमें जो प्रिमिटिव जितने भी बैक्टीरिया थे उनको रखा गया, जैसे मैथोजेंस हो गए आपके, हेलोफाइल्स हो गए, इन सबको इसमें रखा हुआ है. इनकी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, इनकी सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ ब्रांच्ड, इनकी ब्रांच होती है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है एंड इसमें ग्लिसरॉल भी होता है. देयर सेल वॉल हैज नो पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स, इनमें कोई भी पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स नहीं होता है, बट जो आपकी बैक्टीरिया है उनमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स होता है. आर्किया आर नॉट इन्फ्लुएंस बाई द एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक को इनका इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सके. देयर आरएनए इज यूनिक, इनका आरएनए यूनिक होता है एंड मच डिफरेंट, बहुत अधिक डिफरेंट होता है फ्रॉम बैक्टीरियल आरएनए से. आर्किया लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ये बहुत ज़्यादा अधिक एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं आपके, ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्पल से मैथोजेंस हो गया, हेलोफाइल्स हो गया एंड हाइड्रोथर्मोफाइल्स हो गया. नेक्स्ट आपका आता है इसमें, देखिए थ्री टाइप्स हैं आपके, ठीक है, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया. यूकेरिया आपके प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल आ जाएगा, इसमें साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड बेनिफिशियल पैथोजेनिक आ जाएंगे, इसमें मैथोजेंस, हेलोफाइल्स आ जाएगा, ठीक है. ये है आपका बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया. यूकेरिया आपका किंगडम जितने एनिमलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड फंजाई, और आपका जो आपका मोनेरा है वो आपका ये है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए सेकेंड वाला है आपका डोमेन बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया. देयर सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ अनब्रांच, देखिए वहाँ पे ब्रांच थी, यहाँ पे अनब्रांच है, फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है, और ग्लिसरॉल इसमें अटैच होता है. देयर सेल वॉल इज फॉर्म द पेप्टाइडोग्लाइकन्स, इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, बट आर्की बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल नहीं मिलकर बनी होती है. बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं. नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल, इनके साइटोप्लाज्म में डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है. बैक्टीरियल आरएनए इज यूनिक एंड डिस्टिंक्टली डिफ्रेंशिएट फ्रॉम आरएनए ऑफ आर्किया एंड यूकेरिया, जो यूकेरिया एंड आर्किया का जो आरएनए वो डिफरेंट होता है बैक्टीरियल से. बैक्टीरिया राइबोसोम आर 70S टाइप, इनका जो राइबोसोम है वो 70S टाइप होता है. 70S टाइप राइबोसोम है ये आपका, दो टाइप के राइबोसोम है आपके 70S एंड 80S, तो आपका 70S बैक्टीरिया का होता है एंड यूकेरिया का आपका 80S होता है. यू बैक्टीरिया इंक्लूड्स माइकोप्लाज्मा आएंगे, इसमें साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एलगी जिसे हम बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है. नेक्स्ट आपका लास्ट रह जाता है यूकेरिया. तो यूकेरिया इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग, सॉरी आपका थ्री है लास्ट, ये है डोमेन यूकेरिया, सेल यूकेरियोटा. सेल हैव यूकेरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, यूकेरियोटिक आपका इसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है. देन सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ अनब्रांच, इसमें भी अनब्रांच होती है, फैटी एसिड से मिलकर बना होता है एंड ग्लिसरॉल भी इसमें होता है. एंड दिस फॉर्म ट्राई लैमिनर, मतलब इसमें थ्री लेयर प्रोटीन लिपिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब थ्री लेयर होती हैं इसमें, प्रोटीन लिपिड एंड प्रोटीन, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पढ़ाएंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्लास में. आपकी सेल वॉल इज एबसेंट इन एनिमल्स, एनिमल में सेल वॉल एबसेंट होती है, बट प्लांट में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है. इसमें थोड़ा गलत लिख गया है, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल बट सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट, ठीक है ना, यहाँ प्लांट सेल होगा. पेप्टाइडोग्लाइकन्स आर नॉट फाउंड, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं होता है. यूकेरिया आर रेजिस्टेंट टू ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स. हेरिडेटरी मटेरियल इज कम्पोज ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स कम्पोज ऑफ डीएनए, जो आपका हेरिडेटरी मॉलिक्यूल होता है वो डीएनए होता है, और बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन होता है. यूकेरिया जो यूकेरियोटिक है उनमें आपका राइबोसोम 80S टाइप मिलेगा, ठीक है ना. इनको हमने थ्री, इसके फॉलोइंग फोर हमने डिवाइड कर रखा है फोर कैटेगरी में. तो आपका फर्स्ट आएगा किंगडम प्रोटिस्टा,
तो जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा है आपका चैप्टर थर्ड में दे रखा है, तो इसमें आपका इंक्लूड, इसमें स्लाइम मोल्स आएंगे, आपके यूग्लिनॉइड्स आएंगे, एल्गी एंड प्रोटोजोअन्स आ जाएंगे। आपका किंगडम माइकोटा है मतलब फंजाई, जो आपका फंजाई है इसमें आपके फाइकोमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, फैसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस आएंगे। ये आपका फिफ्थ या फोर्थ चैप्टर है माइको किंगडम फंजाई, तो इसको हम देखेंगे। देन आपका है किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम प्लांटी में आपके इसमें पहले तो आपका एल्गी आएगा, देन टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सबको देखेंगे हम। फिर आपका आता है किंगडम एनिमेलिया, तो इसमें आपके सारे इंक्लूड जितने भी एनिमल्स हैं उनको देखेंगे। तो इसमें कई सारे फाइलम है आपके, उन सबको देखेंगे, ठीक है। मैमल्स को देखेंगे आपके, मैमल्स में भी आपका प्रोटोथीरियन, यूथीरियन, इन सबको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ओके, देन ये आपका लेक्चर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जिसमें दे रखा है वो देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।